चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 14 सितंबर का, तो आज मैं पहले ही वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ। तो जिन लोगों ने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आप ला सको। अभी जो टाइम हो रहा है 2:30, ऑलमोस्ट मार्केट अगर देखे तो बड़ा गैप ओपन हुआ आज, और गैप अप होने का इसी रेंज में ट्रेड करता हूँ देखने वाला है। यहाँ पे तो यहाँ कुछ मोमेंटम नहीं देखने को आ रहा, लेकिन कल के लिए क्या मोमेंटम रह सकता है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए मैं लेवल्स वगैरह आपके साथ, एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, अगर यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट बड़ा गैप ओपन हुआ है, 18,000 का जो साइकोलॉजी लेवल था उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मार्केट आज 15 मिनट की कैंडल अगर भी देखें तो निफ्टी का यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर देखिए तो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल भी एक उसके अंदर ही है, ट्रेड कर रहा है और उसका जैसे ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ मोमेंटम है, लेकिन 18,080 का एक रेजिस्टेंस है, 18,100 का लेवल जो है जैसे हर्डल के लिए काम कर रहा है। ऊपर की तरफ अगर रहे तो 160 का इंपॉर्टेंट रहेगा और 18,200 का लेवल रहेगा। लेकिन कल अगर इसी फ्लैट रेंज में ओपन होता है, गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, फिर भी यहाँ पे बाय एंड डिप भी रखना चाहिए। अभी जो व्यू है अपना बाय एंड डिप ही है, क्योंकि मार्केट जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है। जब तक यहाँ पे कोई प्राइज एक्शन, अगर प्राइज एक्शन के बारे में अगर देखें तो प्राइज एक्शन के हिसाब से जब तक कोई अपने को ट्रेंड कोई बेंड नहीं देखने को मिलता, तब तक यहाँ पे कोई अपन सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। अभी तो फिलहाल के लिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा पॉजिटिव की तरफ देखने को मिल रहा है। किस हिसाब से अगर वो 1 आवर के चार्ट के ऊपर दिखा दूँ, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक बार सब कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर पूरा क्लीन चार्ट अगर देखे तो यहाँ पे चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चर देखे तो 1 आवर का जो चार्ट है यहाँ पर अगर देखे तो हायर हाई फॉर्मेशन हो रहे है। जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखे तो ये हायर हाई फॉर्म हो रहा है, तो एवरी डिप में यहाँ पे बाइंग के लिए मौका मिलेगा। लेकिन जब जब ये पिछला वाला स्विंग ब्रेक करेगा और उसके स्विंग को ब्रेक करेगा तभी एक मार्केट में नीचे की तरफ मूवमेंट है। तो बहुत लोग यहाँ पे पुट लेके रहे हुए हैं कि वो लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, लेकिन मार्केट में यहाँ पे अगर देखे तो जो इन्फ्लेशन डेटा वगैरह देखे तो 7% पे गया है, तो यहाँ पे बैड न्यूज है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो मार्केट के प्राइजेशन के हिसाब से, डेटा के हिसाब से अपन को जाना पड़ेगा। तो कल के लिए क्या रहेगा, कल के लिए अगर एस्ट्रो के हिसाब से देखें तो फर्स्ट कल का डे भी इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो एक्सपायरी के दिन अच्छा सा तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कल भी एक रेंज में ओपन होता है, उस रेंज को अगर काटता है तभी तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रहेगा, सेकंड हाफ में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अगर कुछ एस्ट्रो टाइम्स से, जो एस्ट्रो टाइम्स में टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर करता हूँ, तो जिन लोगों ने तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ताकि जो एस्ट्रो टाइम्स रहते हैं उसके हिसाब से आप उन्हें अच्छे से ट्रेड ले सके। चलिए ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट अगर ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से अगर निफ्टी अगर देखें तो 18,000 पे अच्छा सा पुट राइट रहे, तो 18,000 का लेवल अच्छा सा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क करेगा। देखिए 18,000 का जो लेवल है वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे देखिए चेंज इन ओआई और ओआई पे अच्छा सा पुट राइटिंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे 100 का जो लेवल है यहाँ पे भी अच्छा सा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा था रेजिस्टेंस के, लेकिन 100 का सस्टेन कर रहा था टूवर्ड्स द 18,200 के लेवल्स देखने को मिल सकते। लेकिन जब भी 18,000 के आसपास आता है तो यहाँ पे बाय ऑन डिप देखने को मिला, लेकिन जब 950 के नीचे चला जाएगा 70,950 तभी मैं यहाँ पे बेरिश कहूंगा, तब तक मेरे फिलहाल के लिए यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चलिए बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी भी देखें तो 50 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता है, नीचे की तरफ 700 की तरफ है, ऊपर 800 की 100-150 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर, अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा है। डेली कैंडलस्टिक में अगर बैंक निफ्टी अगर देखें तो बहुत अच्छा सा मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो पिछला जो हाई था ऑलमोस्ट 40,000 का जो यहाँ पे हाई था, तो ऑलमोस्ट 41,800 आने वाले दिनों में मेरे लगता है कि ये भी हाई बीच कर देगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 41,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 41,500 के लेवल तक देखने को मिलता है। लेकिन 50 मिनट के चार्ट के ऊपर देखें तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते, तो मेरे हिसाब से अगर देखें कल के लिए मैं इंपॉर्टेंट आपको लेवल्स वगैरह यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 41,000 का राउंड फिगर नंबर है, देखिए 41,000 का राउंड नंबर फिगर है, 41,050-60 के अबाउट सस्टेन करेगा तभी मोमेंटम। लेकिन नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे तो 40,967 कल अगर इसी रेंज में ओपन होता है, इसी रेंज में ओपन वगैरह होता है यहाँ पे जाते तो रेजिस्टेंस लगेगा, लेकिन इस 100 पॉइंट की रेंज में अपन को कुछ नहीं करने का। जब तक 41,060 के अबाउट सस्टेन करता है तभी फिर बुलिश मोमेंटम आ सकता है, और जब 40,960 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे सेलिंग का टाइप का प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ एक हर्डल लेवल है, नीचे की तरफ 40,800 का जो अभी फिलहाल जो लेवल चल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क कर रहा है, यहाँ पे अच्छा सा पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो जो लेवल है 40,800 का, तो 40,800 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क कर रहा है। चलिए अभी ऑप्शन चेन डेटा दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी
40,800 का जो लेवल है वहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 40,800, तो यहाँ पे देखें 40,800 का जो लेवल है यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा सा कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर यहाँ पे ओआई भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेंस्ट अगर देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मार्केट ऑलमोस्ट है, लेकिन 41,000 के लेवल पे अच्छा सा कॉल राइटिंग है, लेकिन नीचे की तरफ 40,500 के लेवल पे अच्छा स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो इसी रेंज में 500 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करता हूँ देखने को, लेकिन 41,060 के अभाव निकलता है। जो जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनकी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन 800 के नीचे थोड़ा वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो चलिए कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं आपको बताया। अभी मार्केट अगर देखे तो इसी रेंज में क्लोज होता है देखने को मिला है, लेकिन कल बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है। तो फर्स्ट 5 मिनट देखिए, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई और लो आपको इंपॉर्टेंट है। और जो मैं एस्ट्रो टाइम्स देता हूँ वो टेलीग्राम चैनल, जिन लोगों ने तो पहला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। तो हाँ वहाँ पे मैं एस्ट्रो टाइम देता हूँ कि उस हिसाब से उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो मोमेंटम देखने को मिला है। बाकी जो ऑल इंट्राडे का सपोर्ट चाहे तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सको।